दोस्तों, आपका स्वागत है आयत इनायत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी, मौर्या नगर में। जैसे हमारे रविशंकर शाहू, सुना ना क्या है रविशंकर साहू ना? अच्छा, रविशंकर साहू। तो हमारे ये रविशंकर साहू जी का ये रूम है 300 स्क्वायर फीट का। इन्होंने हमारे से ये रूम लिया है और अभी इनका रूम का पोजीशन, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रूम बना के लिया और इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। जैसे ढोलपुरी आपके सामने नजर आ रही है, तो जैसे कि आपको देख रहे हैं आज दो रूम का पोजीशन एक साथ होने वाला है। जैसे उसमें रूम में थोड़ा सा काम चालू है, देख रहा होगा आपको, वो भी रूम का काम चालू है। तो अभी हम लोग जो है इस रूम का पोजीशन देंगे, तो हम लोग आपको जो है दिखा देते हैं। जैसे आपको सामने, जैसे हम लोग हर कस्टमर को ढोलपुरी वगैरह लगा के देते हैं, तो वैसा आपके सामने ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ढोलपुरी आपके सामने। और जो है कि इन्होंने ये बजरंग बली का फ़ोटो भी लगा के लिया है, ये देखिए फ्रेम में इनको फिटिंग करके हमने दिया है। और ये जो रूम है टोटल 300 स्क्वायर फीट का एल टाइप का रूम है। तो हम आपको जो है इनके रूम को भी दिखा देते हैं। ये रूम के अंदर जो है, ये साइड में देखिए ग्रीन मार्बल का फ्रेम आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये ग्रीन मार्बल का फ्रेम है, और मैं आपको देखे चलता हूँ डायरेक्ट उनके रूम के अंदर। रूम देख करके बड़े खुश हो जाएंगे आप। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा हॉल है। ये हॉल में जो है हाफ टाइल्स, और जिस तरीके से कस्टमर ने बोला गया उस तरीके से का काम। इन्होंने कुछ काम जो है एक्स्ट्रा करवाए हैं, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। तो हम लोग जो है देखते हैं, पहले ये है हॉल में हाफ टाइल्स, और आपके सामने टीवी के पॉइंट्स भी यहाँ पर हमने छोड़े हैं, जैसे हर कस्टमर को छोड़ते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे भी हमने पॉइंट छोड़ा है। यहाँ पे किस लिए एक्स्ट्रा पॉइंट? मंदिर के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट छुड़ाया होगा। तो आपके सामने जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, ये हाफ टाइल्स है, और हाफ टाइल्स हर कस्टमर को हम लोग देते हैं। ये देखिए एक पट्टी कुछ एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही होगी, ये गोल्डन में यह एक्स्ट्रा पट्टी जो है उन्होंने लगवा के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। ये देखिए पूरे घर के अंदर जो है पूरी तरीके से उन्होंने लगा के लिए। तो मैं आपको जो है, ये हॉल है, हॉल के अंदर से अभी जो है मैं आपको लेकर के चलता हूँ उनके यहाँ से। पहले हम लोग देख लेते हैं, 3x3 की विंडो है, जो हम लोग हर कस्टमर को 3x3 की विंडो देते हैं। और उसके यहाँ पे भी आपको पॉइंट दिख रहा है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे घर का पॉइंट आ जाता है। ऊपर आपके सामने बल्ब दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोगों के सामने ये देखिए, ये पूरा पीवीसी सीट है, इसके ऊपर लाइट वगैरह लग चुकी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाइट चालू होगी तो और अच्छा लगेगा, खाली कनेक्शन करना बाकी है। तो हम लोग जो है अभी इस वक्त ये हॉल में है। हॉल से हम लोग चलते हैं अभी बेडरूम की तरफ। बेडरूम में भी आप देखेंगे किस तरीके से काम हुआ है, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया गया है, जो कि हमारे रविशंकर भाई ने जैसा हमको बोला वैसे ही हमने काम करके दिया है इनको। तो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये देखिए। और ये पूरा का पूरा जो है हॉल 10x10 का हॉल, 10x10 का बेडरूम है सर। और ये 3x3 की विंडो है, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रही है। ये पूरी तरीके से 3x3 की विंडो के बाद में जैसा आपको सामने नज़र आ रहा है। और हम लोग दिखाते हैं आपको ऊपर की तरफ पीवीसी सीट, ये देखिए पूरी पीवीसी सीट आपको नज़र आ रही है। अभी इस वक्त जो है हम लोग ने वो दिखाया आपको, और अभी हम लोग जो है आपको इसके ऊपर कोड़माला भी दिखा देते हैं, जो कि इन्होंने कोड़माला बना करके लिया है। तो आपके सामने यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पॉइंट, और यहाँ पे भी पॉइंट है, आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग जो है दिखा रहे हैं यहाँ पे किचन, तो किचन में भी आपको नज़र आ रहा होगा। किचन जैसे हॉल में से एंट्री करते हैं तो किचन नज़र आ जाता है, तो ये किचन है आपके सामने। ये देखिए ये किचन के ऊपर जो है दो सेल्फ है, इसके ऊपर कोड़माला है, कोड़माले में जाने के लिए बेडरूम में से रास्ता रखा है इन्होंने, क्योंकि वो स्पेस जो रहता है ना, वो स्पेस रहता है, वो काउंट होता है। तो अभी हम लोग जो है पहले दिखाते हैं इनका बाथरूम। बाथरूम में भी जो है काफ़ी अच्छा स्पेस है, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया है ज़्यादा,
जो जरूरत थी उन्होंने उतना ही एक्स्ट्रा करवाया। ये देखिए जैसे एक पॉइंट यहाँ लगवा लिया है साबुन वगैरह रखने के लिए। तो अभी हम लोग जो है दिखाते हैं इनका किचन। किचन को ज़्यादा बड़ा नहीं रखवाया इन्होंने, जितनी ज़रूरत थी उतना ही रखवाया है। और आपके सामने ये देखिए, और ये 3x3 की विंडो। फिर ये आ जाता है इनका बाथरूम। यहाँ पे इन्होंने खाली पॉइंट छोड़ के लिया है ताकि वो कभी भी जो है वॉशबेसिन लगा सके। ये देखिए आपके सामने ऊपर का पूरा जो है आपके सामने फुल टाइल्स है। यहाँ पे भी बल्ब वगैरह लगा के रखा है, खाली कनेक्शन करेंगे तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं रविशंकर भाई के पास और बात करते हैं उनसे, उन्होंने हमारे से किस तरीके से ये रूम परचेस किया और कहाँ हमारे को देखे। तो बात करते हैं रविशंकर। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया आपको ये रूम 300 स्क्वायर फीट का हमारे रविशंकर भाई का। तो ये जो है रविशंकर भाई जो है हमारे कस्टमर, इन्होंने हमारे से ये रूम लिया है और ये रूम इन्होंने हमारे से जूनियर हमारे काफ़ी टाइम हो गया है इन्होंने हमारे से जुड़े हुए रहे हैं। और इनके एक दोस्त है जो उन्होंने भी रूम लिया है और उनका भी पोजेशन हो चुका है ना, किशोर भाई का। तो नमस्ते, नमस्ते रविशंकर भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो रविशंकर भाई क्या काम करते हो? मैं फिलहाल कलवा हॉस्पिटल में हूँ, MRI सेक्शन में, MRI सेक्शन अकाउंट्स में। तो कौन सा हॉस्पिटल में हो? कलवा शिवाजी हॉस्पिटल। अच्छा, कलवा शिवाजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अच्छा, अरे यार जो हमारा सिटी स्कैन हमारा है वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है, वहाँ अकाउंट्स में हूँ, वहाँ अकाउंट्स बिलिंग में। अच्छा, अकाउंट्स बिलिंग के अंदर है। तो आप जो है हमारे साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं फिलहाल एक साल से ऊपर हो चुका हूँ। एक साल से हमारे से जुड़े। और वीडियोज कब से हमारे को देख रहे हो आप? वही एक साल से देख रहा हूँ। एक साल से रेगुलर वीडियो देख रहे हो और आपने एक साल से हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो ये सारा रूम वगैरह जो है पूरा डिजाइन वगैरह आपने पूरा चॉइस किया ये सब? जी, मैं और मेरी फैमिली ने। अच्छा, वाइफ भी आपकी? बच्चे? बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो, अरे ये कभी लाए नहीं? तो इधर आए थे, एक बार आए थे जब रूम का काम चालू था तो उनको दिखाने के लिए लाया था। फिलहाल आज फंक्शन है बहन के यहाँ पे। अच्छा, गए तो आ नहीं पाए। ओके, तो अभी ये जो रूम, इसके पहले कहीं रेंट पे हो या फिर क्या मसला क्या है? घाटकोपर में भी मेरा रूम है, खुद का घर है, तो फिलहाल वहाँ पर। तो वहाँ से निकल के यहाँ आने का क्या कारण है? आपने हमारे पास बुकिंग क्यों किया, क्या क्यों घर लेने के लिए सोचा? अभी फिलहाल देखिए, अभी एक फैमिली आगे भी, इतनी बड़ी फैमिली है, आगे भी कुछ प्रॉपर्टी बच्चों के लिए करना है, तो इस हिसाब से मुंबई में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी महंगाई है। तो उस हिसाब से जो आपका काम है और जो काम करके देते हैं और जो आपका चार्जेस है और आपका जो स्कीम है देने की, तो मुझे पसंद भी आए और उसमें अपना कर भी सकते हैं। यानी आपके बजट के हिसाब से और आपने फ्यूचर देख लिया कि एक घर हमको बनाना है। तो ये जो आपने यहाँ पे ये पैसा लगाया है, मतलब ये किसी से लोन लिया है, उधार लिया है या फिर किस तरीके से आपने जमा? इसमें थोड़ा मेरा जमा पूंजी है और थोड़े मम्मी पापा की हेल्प है। वाह, देखो आपके साथ में, आपके सामने हमारे ये रविशंकर भाई ने जो है बहुत अच्छे तरीके से जमाया है और पूरी तरीके से इन्होंने आपके मम्मी डैडी को भी बताया आपने ये घर परचेस किया जी। तो लाके दिखाया था उनको? मम्मी तो आई नहीं, फिलहाल एजेड है तो चलने में थोड़ा चलने में तकलीफ अभी तक लाया नहीं। लेकिन वीडियो वगैरह मम्मी देखती है हमारी? हाँ, दिखाते हूँ। नमस्ते आंटी, अगर हम आपको देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपके लड़के को आपने यहाँ तक भेजा है। लेकिन हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोग अगर आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मुझे तो मालूम नहीं था कि इनकी फैमिली में, मैं तो बिना फैमिली बुलाए इनको पोजीशन ही नहीं देता। तो बच्चों का नाम क्या है आपके? बड़े वाले का नाम कृष्णा है। हाँ, छोटे का नाम शौर्य है। अच्छा है, दोनों लड़के। तो अभी किशोर भाई अपना, सॉरी रविशंकर भाई, जैसे हमारे साथ एक साल से आप जुड़े हुए हो, आपने रूम बना करके लिया है, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ में ये एक्टिविटी इतने दिनों के अंदर जुड़ करके? बहुत बढ़िया है। आप बहुत रिलैक्स थे हमारे साथ में, देखा है हमने, बहुत रिलैक्स रहे हो, मतलब कैसा लगा आपको हमारे साथ में? बहुत अच्छा लगा है। और आपका काम, पहली बार तो काम आपका एक तो A1 दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहा हूँ, A1 है काम। मैं सच बता रहा हूँ, इनके रूम के अंदर कुछ यूनिक जो काम हुआ है, जैसे कि ये पट्टी वगैरह जो है, लास्ट टाइम भी किशोर के इसमें भी यही पट्टी लगी है, क्योंकि ये सब पट्टी वगैरह जो है ये कोई जल्दी लगा के लेता नहीं है, थोड़ा सा महंगी कॉस्ट होती है, सही है ना जी? इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है इन्होंने पे किया और ये सब पट्टी वगैरह लगा के लिए, टाइल्स वगैरह भी जोड़ी, थोड़ी सी हैवी टाइल्स पसंद किए। देखो घर की खूबसूरती जो है ना पूरी टाइल्स पे निर्भर है, पूरी टाइल्स। आज पूरा घर जो चमक रहा है वो सिर्फ टाइल्स और कलर, ये चीज़ की वजह से। कलर तो हम लोग जो है हमारे हिसाब से करके ही देते हैं, कलर के अंदर कुछ भी वो नहीं है, चॉइस हमारी टाइल्स के अंदर जो हमारे कस्टमर चॉइस करते हैं
वैसा आप लोगों को हम लोग करवा के देते हैं। तो हमारे किशोर भाई जो है हमारे को साल भर से फॉलो भी कर रहे हैं। और अभी कितने का रूम परचेस किया था ये रविशंकर भाई? मैंने जब परचेस किया था तब आपका चार्जेस 7.5 लाख का था। ये रूम आपने मेरे से 7.5 लाख रुपए में परचेस किया? 7.5 लाख टोटल है आपका, लेकिन 2 लाख डाउन पेमेंट किया हुआ है। अच्छा, 2 लाख डाउन पेमेंट किया है, तो इसका मतलब 5.5 लाख रुपए का आप ईएमआई भरेंगे? जी जी। तो ईएमआई कितना है आपका? मंथली 7.5 हज़ार। मंथली 7.5 हज़ार रुपए का। जैसे इनका जो ईएमआई अभी 7.5 हज़ार रुपए का ईएमआई सेट हो चुका है, अब ये महीने का 7.5 हज़ार रुपया कंटिन्यू भरेंगे। और अभी इनके लिए आप दुआ कीजिए कि इनका ये रूम जो है इनके लिए बहुत बेनिफिट निकले, इनको कोई चीज़ की कमी ना हो इस रूम के अंदर। इन्होंने ये रूम अपने से बहुत दिल लगा के रूम बना करके लिया है। सही जी। रहने आने वाले हो या रेंट पे दे दोगे? रहने आऊँगा भाई। रहने के लिए आएंगे? वाह। ये एक्चुअली मैं बहुत सारे मैं कस्टमर लोगों को पजेशन दिया हूँ, आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे लोग रेंट पे देते हैं। तो मेरा जो दिल होता है ना, एक्चुअली मेरा दिल कब खुश होता है, मेरा जब किसी को पजेशन देने के बाद, पजेशन देने के बाद में जब वो रहने के लिए जब यहाँ आ जाते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। क्योंकि उनका घर जो है, मैं उनका आशियाना बहुत दिल से बना करके देता हूँ, कोशिश यही रहती है। अभी तो हमने कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है कस्टमर लोगों के लिए, कि मतलब अगर किसी को कोई ईएमआई भर रहा है, तो अगर कोई फ्लैट में मूव होना चाहता है, कोई प्लॉट में मूव होना चाहता है, प्लॉट वाले फ्लैट पे मूव होना चाहते हैं, यह हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। वो कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप चाहते हो अपना रूम बनाना, फ्लैट बनाना, जैसे आपने देखे फारूक भाई ने हमारे से रूम चौल में लिया, फिर उसके बाद वो मूव हो गए। हमारे रविशंकर भाई जो है ऐसे ही अभी ये लिए है चौल में। आने वाले वक्त में, अगर आने वाले वक्त में, मैं दुआ करता हूँ कि इनके पास इतने पैसे आए कि ये रूम को छोड़ करके वो बंगला खरीदे। सक्का ना जी, आपकी दुआ रहे तो वो भी जरूर जरूर। हम तो यही चाहते हैं कि आप जो है मतलब ये इसका पैसा पेड होने के बाद जो है कुछ नया कॉन्सेप्ट, जैसे फारूक भाई का वीडियो देखा आपने? जी अभी तक देखा नहीं। नहीं देखा क्या? अच्छा, तो उसमें भी उन्होंने ऐसे ही किया, कुछ पैसा पेड कर दिया, फिर उसके बाद में फ्लैट में मूव हो गए। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट में मिले। तो हम भी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ जुड़े रहो, हमारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के लिए ही अवेलेबल है, और ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा। और हमारी स्कीम जो है इंस्टॉलमेंट भरने वाली, हमारे रविशंकर भाई अभी हमारे को 7.5 हज़ार रुपये महीने का भरेंगे। तो रविशंकर भाई, आपकी फैमिली में आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं उन्नाव यूपी का रहने वाला हूँ। उन्नाव? उन्नाव यूपी के रहने वाले हो? तो यहाँ पे कितने साल हो चुके मुंबई में? मुंबई में ही पैदाइश है मेरी। अच्छा, मुंबई में पैदाइश हो गई, आप कई मतलब आना जाना रहता है वहाँ पे? जी जी। तो हमारे रविशंकर भाई जो है, जो यहाँ पे घाटकोपर में अभी जो है यहाँ पे शिफ्टिंग लेंगे, और इनके दो बच्चे हैं, तो बच्चे कितने साल के आपके? बड़ा वाला 8 साल का है, छोटा वाला 3 साल। तो उनके लिए स्कूल भी आपने देख लिया होगा यहाँ पे? जी है, स्कूल भी है यहाँ पर। अच्छा, एडमिशन करवाना है या फिर करवाएंगे? करवाना बाकी, बड़ा वाला जाता है। अच्छा, चालू है तो यहाँ पे मूव होने के बाद में तुरंत एडमिशन करवा लोगे? जी जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने स्कूल वगैरह देख लिया है? जी देखा है। यानी यहाँ पे आना जाना कंटिन्यू चालू है आपका? हाँ, नहीं है यहाँ पे इनका यहाँ पे आना ही है, और बहुत दिनों से इनका चल रहा है कि फहीम भाई पजेशन कब देंगे, तो आज इनका पजेशन दिया है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ये रहने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो अभी जो है हम लोग चाहेंगे कि इनका भी घर बना है, अभी घर के अंदर रहने के लिए आ जाए, और हमारा भी ईएमआई वगैरह जो है इनसे चालू हो जाए, हमारे से भी कोई इनको दिक्कत ना हो, हर लाइफ टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे, यही चीज़ ना खरीदे, बच्चों के लिए और भी चीज़ खरीद के रखे। ताकि अभी देखो LIC पॉलिसी ये चीज़ वो चीज़, हम लोग जो है BC वगैरह इधर उधर पैसे इन्वेस्ट करते, उससे ज़्यादा बेहतर है कि प्लॉट फ्लैट कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करके रखो, ताकि ये चीज़ आपकी बनते रहे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ते रहो, जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट EMI देना है, EMI भरते रहना है। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। 1 RK जो है हमारे पास जो है, अगर आप लेना चाहते हो तो 5,750 रुपये के EMI से स्टार्ट होता है। 1 BHK का, 1 BHK का अगर आप लेते हो तो 1 BHK का आपको पड़ेगा लगभग 8,25,000 रुपये का, और 2 BHK का अगर आप लोगे तो 2 बेडरूम हॉल किचन का आपको पड़ेगा 10,75,000 रुपये का, और 10,750 रुपये के EMI से स्टार्ट होता है। देखो ये EMI तोड़ने से आपका क्या बेनिफिट है और मेरा क्या बेनिफिट है, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ। आपका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, इनके पास इन्होंने इकट्ठा पैसा जमा करके तुरंत दे दिया, अगर ये नहीं दे पाते तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास जमा करते, तो होता इनका घर बन जाता। अभी बहुत सारे लोगों का घर बनते हुए आया है, तो वैसा आपका भी घर बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है कि जैसे ही आप अपने घर के तरफ से, हमारे तरफ से किसी यहाँ पे शिफ्टिंग लोगे या फिर रहने के लिए आओगे, तो आपका मुंबई का रेंट बच जाएगा। अभी इनकी फैमिली बड़ी है, इनकी फैमिली जो है
इनकी फैमिली बड़ी है, तो आप इनकी फैमिली में से ये जो है यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, तो हम लोग जो है इस वक्त ये रहने के लिए आने वाले हैं, तो हम लोग जो है हमारे हर कस्टमर को जैसे ताला चाबी देते हो, हर कस्टमर हमारा इसी चीज़ का इंतज़ार करता है, ना जाने ये ताले में क्या ऐसी चीज़ है ये ताला और चाबी में, जब तक कि ये हमारे साथ से नहीं लेते तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है ना जी। एक साल से सफर कर रहा, एक साल से बहुत सफर कर रहे हैं हमारे रविशंकर भाई, तो आप भी देखिए कि इनका अभी तो ये रेंट पे नहीं रहते, खुद के घर में रहते हैं, लेकिन अब खुद के घर में पहली बार खरीदा ये घर जी, और लाइफ टाइम इसी के अंदर रहने का ठान लिया है जी जी। तो इनको इनका घर बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी ये दुआ कीजिए कि इनका ये घर कामयाब निकले, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे रविशंकर भाई ने हमारे लिए मुंह मीठा करने के लिए कुछ लेके आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर हमारे लिए ज़्यादा मिठाई नहीं खाता क्योंकि खाली ये इनकी मोहब्बत से लेके आके देते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग जो है ऐसे कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं, हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लॉन्च करते रहते हैं, पीछे कैंची है, पीछे सुनो ना पीछे कैची है ठीक है। तो जैसे आप लोग भी अगर बुकिंग कराना चाहते हो तो बुकिंग करा लीजिए, 3,000 रुपया, 4,500 रुपया, 4,250 रुपया, घर बनाना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़ जाओगे तो घर फ्लैट बंगला जो चाहो बना सकते हो, सिर्फ आपके पास ही मुमकिन हो सकता है, पक्का ना, और ये क्या बात है, और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारे रविशंकर भाई ने ये बात बोल करके हमारा दिल ही खुश कर दिया कि ये स्कीम हमारे पास ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया है, हम किसी को कॉम्पीट भी नहीं करते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी आइए, बुकिंग कराइए, छोड़िए मत, ऑफर को पिकअप कीजिए। हमारे रविशंकर भाई का पहले हम मुँह मीठा करेंगे, हमारे आप कीजिए ऐसा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ही है ये हमारे तरफ से हमारे रविशंकर भाई को, तो हमने हमारे रविशंकर भाई को पोजीशन दिया है। आप लोगों को इनका घर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे आप भी कमेंट्स कीजिए इनके रूम के लिए, आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बोलिए कुछ कहना चाहेंगे जी? नहीं बस बस बस। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो को वो करते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।